नमस्कार ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत दिल्ली रे जो किछि दिन पूर्वरु हाईकोर्ट तांकर फाइनल हियरिंग देछि कि मार्च 3 तारिख दिन ए चारि जन को फासी होबार अछि ता नै एक्चुअली ता मा कोन कहिछन निर्भया के मा कोन कहिछन बहुत इम्पोर्टेंट कथा जहाँ भी कहिछन बिल्कुल गुड़ाए कथा तो ठीक अछि आ गुड़ाए कथा भी कहिबा कथा नहु ओके एपी सिंह कथा जदि आमे धरा हबो तो से कहिछन जे कि जदि मार्च 3 तारिख फासी चार जन को दिया न जाए ताहले मु तो फास्ट निजे भी से टाइप रे जिनस हे जीवी तान फासी नै जीवी ता से तो वकील एपी सिंह भी सेमती जिनस काम करि देबी तो देखंतु एटा जदि सरकार कथा कहबो निर्भया को भी परिगरणी 7.5 वर्ष जदि 7.5 वर्ष रे सरकार एपन कोनोसी प्रकार डिसीजन नै पारि नाहंती तो विभिन्न प्रकार प्रेशर थाई पारे तो निर्भया तमा कहबा अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट रे विभिन्न प्रकार गळा बाट अछि दिल्ली हाईकोर्ट रे आम कहीपरिया विभिन्न प्रकार गला बाट अच्छी दिल्ली इलेक्शन कथा कहीपर भारत सरकार जो इलेक्शन कथा कहीपर तेणु समस्त चर्चा को जी निजाए निर्भया माँ कौटी ना कौटी एपर्त सी न्याय पाईना तेणु तक कहवा कथा जदि यही मार्च 3 तारिख दिन न्याय न मिले से तो निजे फासी नहीं जीव सहित वकिल एपी सिंह भी किसी करदे पारती तेणु सरकार चिंता एवं पड़ी जदि आम 7.5 वर्ष न्याय दे पारे सी भी जदि खराब कम किसी कर दिखती बाकी जो अवस्था दिल्ली में जमी चलती प्रोटेस्ट चलती तो सेमतिया सिचुएसन हो जापे तेणु आशा करा सुप्रीम कोर्ट रमी भी कथ रही कि दिल्ली हाईकोर्ट रो फाइनाल हियरिंग रही मार्च 3 को तो कौनसी ना कौनसी जगार ये सब जिनस देबे नाही ओके जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट रो फाइनल हियरिंग अच्छी कि दिल्ली हाईकोर्ट रे जहाँ भी हियरिंग थिला से सब जिनस जमी एक्जाक्टली सब समय रे ठीक हो जाए निर्भया मा जहाँ भी चाहूँ अनुसार काम हो दरकार जहाँफल कि आउ एमती कथा के सिचुएसन हम ना कि प्रोब्लम क्रिएट हम ना एमती लाटेस्ट अपडेट पाइप चैनल को सब्सक्रिप्शन करूँ लाइक भी करूँ रखुच्छी नमस्कार।